तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास थ्री वेक्टर हैं और इसमें फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, मतलब एक सर्कल है, तीन वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं जैसे सर्कल के रेडियस हैं, तो उनको हमें रिजल्टेंट लेना है। अब इन तीनों वेक्टर को देखो, हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, द थ्री वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड लाइक समथिंग दिस। तो यहाँ पर जो सेंटर है वो ओ है, दिस इज़ द पॉइंट ओ, और एक वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया ओ ए से, एक वेक्टर इसके 90 डिग्री पर हम रिप्रेजेंट ओ सी से, ठीक है ना, और एक वेक्टर यहाँ से 45 डिग्री पे जा रहा है जिसका नाम है ओ बी, ठीक है ना, ओ बी। और ख़ास बात यह है कि ये तीनों वेक्टर ओ ए वेक्टर बराबर है मॉड बराबर है ओ बी वेक्टर मॉड बराबर है ओ सी वेक्टर मॉड, इन सब की रेडियस है, तो ये 45 डिग्री। तो एक काम करते हैं, ये जो 90 डिग्री पे दो वेक्टर है, आप किसी का भी दो रिजल्टेंट ले सकते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री पे उनका अगर मैं रिजल्टेंट लूँ तो रिजल्टेंट आर डैश बोल देता हूँ किसका किसका, ओ ए वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर, ठीक है ना। तो यह जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 90 डिग्री पे है, cos 90 0 हो गया, तो ये 90 डिग्री पे है, तो इसका मतलब ये हो गया r√2, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट इसी पे आएगा जिस पे पहले से ही ओ सी था, जिस पे पहले से ही, तो नेट जो रिजल्टेंट आएगा, नेट रिजल्टेंट आएगा वो r डैश वेक्टर और प्लस यहाँ से ओ बी वेक्टर, ठीक है ना, ये 45 डिग्री पे ही इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा। भाई दो इक्वल वेक्टर है, 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी तो यहाँ से 45 डिग्री पे जाएगा, r√2, अगर ये आर है ये आर है तो यहाँ से 45, और उधर पहले से ही एक आर जा रहा था, तो आर डैश की वैल्यू आर प्लस ओ बी की वैल्यू r√2 एक ही डायरेक्शन में है। तो फाइनली जब इनको सॉल्व करोगे तो आर कॉमन हो गया 1 प्लस √2, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इतना मैग्नीट्यूड होगा नेट जो कि हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे जाएगा, मतलब बी ऑप्शन अपना यहाँ पे सही बन जाता है। थैंक यू, टेक केयर।